नमस्कार, जन टीवी उत्तराखंड लेकर हाजिर हूं मैं प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कोटद्वार में की जनसभा, सीएम पुष्कर सिंह धामी चमोली के जोशीमठ में की चुनावी रैली। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रुड़की में की जनसभा, विपक्षी नेताओं पर साधा निशाना, कहा इंडिया गठबंधन साबित हो रहा ठग गठबंधन। उत्तराखंड की 5 सीटों पर मतदान की तैयारी पूरी, 72 घंटे पहले इंटरनेशनल बॉर्डर होंगे सील, 17 से 19 अप्रैल तक बंद रहेंगी शराब की दुकानें। लोकसभा चुनाव के लिए बुक हुई गाड़ियां, विवाह के लिए नहीं मिल रहे वाहन, लोग परेशान, 19 अप्रैल को है वोटिंग। और चारधाम के लिए पंजीकरण हुआ शुरू, 10 मई से शुरू हो रही यात्रा, पहले 2 घंटे में 4000 लोगों ने कराया ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। बढ़ेंगे खबरों की ओर। भारतीय सेना से जुड़े मसले को लेकर हमेशा से ही बीजेपी की केंद्र और प्रदेश सरकार संवेदनशील रही है और उसी के तहत सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर कहा कि हमारी केंद्र सरकार के पहले कार्यकाल में प्रधानमंत्री मोदी ने वन रैंक वन पेंशन लागू किया, जिसे लेकर सेना में अद्भुत उत्साह देखने को मिला है। उन्होंने कहा कि सेना के अच्छे उपकरणों की बात हो, उनके खान पान की बात हो, उनके अच्छे कपड़ों से जुड़ी समस्याएं रही हों या उनकी अन्य सुविधाओं से जुड़े मसले रहे हों, हमारी सरकार ने सेना के हर पहलुओं पर ध्यान दिया है। के लिए हमारी पार्टी देश की आज़ादी के बाद से लेकर हमेशा से समर्पित रही है, हमेशा से हमारी प्राथमिकता रही है। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने कालखंड में 2014 रैंक और वन पेंशन लागू की। मैं एक सैनिक का बेटा हूं, इसलिए मैं जानता हूं सैनिकों के परिवार में कितनी चुनौतियां होती हैं, कितनी समस्याएं होती हैं, उनका जीवन कैसे गुजरता है, मैंने उसको बहुत नज़दीक से देखा है। मेरे पूज्य पिताजी अब इस दुनिया में नहीं है, जिस दिन ये वन रैंक और वन पेंशन लागू हुआ था, उन्होंने पहली बार खुशी में मुझे कहा था कि बेटा मैं तुमको भी और प्रधानमंत्री जी को भी बधाई देता हूँ कि तुम्हारी पार्टी की सरकार आने के बाद वन रैंक और वन पेंशन लागू हुआ। गढ़वाल संसदीय सीट से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी गणेश गुदियाल ने श्रीनगर गढ़वाल के स्वीत से स्थानीय गोला पार्क तक बाइक रैली निकाली, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम उमड़ा। स्थानीय गोला पार्क में जनसभा में गणेश गुदियाल भाजपा की नीतियों पर जमकर बरसे। जनता को संबोधित करते हुए गुदियाल ने कहा कि भाजपा सरकार में केवल लोगों को ईडी और सीबीआई के नाम पर डराने का काम किया जा रहा है, जो डरा नहीं उसे ललचाने की कोशिश की जा रही। कहा कि भाजपा सरकार की तिजोरियों पर इतना धन नहीं है कि गणेश गुदियाल को खरीद सके। हल्द्वानी में नैनीताल लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी प्रकाश जोशी ने कालाढूंगी विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी में बड़ी सेंधमारी करते हुए भाजपा के नेता और कालाढूंगी क्षेत्र के जाने माने समाजसेवी योगेश जोशी को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई। कुसुमखेड़ा में आयोजित कार्यक्रम में समाजसेवी योगेश जोशी ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी प्रकाश जोशी, हल्द्वानी विधायक सुमित रिदेश, कांग्रेस जिलाध्यक्ष राहुल
छिमवाल समेत बड़ी संख्या में पार्टी के नेता, कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। योगेश जोशी के साथ बड़ी संख्या में आए लोगों ने भी कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है। और बड़ा प्रतीक जो हमारे भाई योगेश भाई है, योगेश जोशी जी, समाज सेवी, इनसे उत्कृष्ट कार्य मेरे ख्याल से कोई भी समाज सेवी नहीं होगा पूरे क्षेत्र में जिसने करा होगा। लोगों की सुख में, उनके दुख में, गरीब के साथ, शोषित के साथ, वंचित के साथ खड़े होकर लड़ाई लड़ने वाला हमारा ऐसा भाई, पुराना कांग्रेसी परिवार, आज फिर से उसका मैं कह सकता हूँ भरत मिलाप हुआ है। तो इसलिए हम उनका बहुत स्वागत करते हैं, उनके साथ सहयोगियों का बड़ा स्वागत करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जो ये परिवर्तन जनता चाह रही है उसमें इनके जुड़ाव से और तेजगी आएगी और ताकत आएगी। कि मेरा परिवार सदा ही कांग्रेस समर्थित रहा है और वर्ष 2016 में कुछ परिस्थिति ऐसी हुई कि मुझे भाजपा का दामन थामना पड़ा और आज पुनः मेरी घर वापसी हुई है और मेरे साथ, मेरे परिवार के साथ साथ कई हमारी माताएं बहनें, कई सामाजिक संगठनों के लोग यहाँ पर आज कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करेंगे। और जहां तक सवाल है कांग्रेस ज्वाइन करने का, देखिए मुझे एक प्लेटफॉर्म चाहिए, जो भी समाज हित में मैं काम करता हूँ, मेरे हाथ में उतनी क्षमता नहीं है कि मैं लोगों का भला कर सकूं, लोगों को अधिक से अधिक सहायता पहुंचा सकूं। मुझे लगता है कांग्रेस परिवार, कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो मेरे भाव को समझेगी और आगे जो भी कार्य मैं करना चाहता हूँ समाज हित में उसमें मेरा सहयोग करेगी। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव को लेकर सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। वहीं 85 वर्ष से ऊपर के लोगों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है, साथ ही जो सर्विस वोटर हैं उनके लिए भी मतदान के लिए अलग से व्यवस्था की गई है। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने कहा कि पिछले लोकसभा चुनाव में करीब 61% मतदान हुआ था, लेकिन इस बार निर्वाचन का लक्ष्य 75% रखा गया है। आप भी सुने। वोट का प्रतिशत बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास किया जा रहा है। हम लोगों ने पूरा प्रयास किया है कि अधिक से अधिक संख्या में इस बार का मतदान की प्रक्रिया में सभी नागरिकों द्वारा प्रतिभाग किया जाए। गत लोकसभा निर्वाचन में 61.5% का प्रतिशत हमको प्राप्त हुआ था, इस बार का लक्ष्य हमने 75% का रखा हुआ है और मुझे पूरा उम्मीद इसको हासिल करने में सफल होंगे। इसमें विशेष अभियान के रूप में सभी मतदाताओं का जो है हमने शपथ का कार्यक्रम संपन्न किया था। शपथ कार्यक्रम में हम लोगों ने 63 लाख से अधिक व्यक्तियों की शपथ संपन्न कराने में सफलता पाई है। इसके साथ साथ में जो 85 साल से अधिक आयु के मतदाता हैं और दिव्यांग मतदाता हैं उनका घर घर का जो वोटिंग का अभियान होता है उसको भी हमने सफलता से संपन्न कराया है। उसमें भी 94% से अधिक व्यक्तियों ने मतदान अभी तक पूर्ण कर लिया है। हमारे जो ETPBS के माध्यम से जो हमारे सर्विस वोटर्स होते हैं उनके भी 93,000 से अधिक लोगों को हमने मतदान का अधिकार निभाने के लिए ETPBS के माध्यम से पोस्टल बैलेट उन तक पहुँचाया है। कांग्रेस से राज्यसभा सांसद और शायर इमरान प्रतापगढ़ी रुड़की के खादर क्षेत्र के गांव पहुंचे, जहां हरिद्वार लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र रावत के समर्थन में कलियर विधानसभा क्षेत्र में रोड शो कर मरगुपुर गांव में एक जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आए। इस दौरान इमरान प्रतापगढ़ी को सुनने के लिए भारी संख्या में लोग उमड़े थे। लहर है और उत्तराखंड में भी कांग्रेस पार्टी सारी सीटों पर बहुत मजबूती के साथ लड़ रही है। नरेंद्र मोदी जी की केंद्र की सरकार और यहाँ की डबल इंजन की सरकार दोनों पूरी तरह विफल हैं। उत्तराखंड अंकिता भंडारी के लिए न्याय मांग रहा है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार न्याय नहीं दे पा रही, इस वजह से जनता में बहुत गुस्सा है। क्या लगता है कि बार किस तरह का रुझान जनता का मिल रहा है? इंडिया अलायंस मजबूती के साथ देश में सरकार बनाने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जा रही है, जा रही है, जा रही है। 15 लाख के जुमले की तरह झूठा है। 15 लाख का जुमला जैसे दिया था वैसे ही वो नारा भी है। इंडिया अलायंस कितनी सीट ला पाएगी इसकी बार? प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बना रहा है। भाजपा 180 का आंकड़ा नहीं पार करेगी। हल्द्वानी को लेकर क्या कुछ कहेंगे? मैं यहाँ चुनावी कार्यक्रम में आया हुआ हूँ, जो कहना है अभी माइक से कहूंगा। केंद्र और राज्य सरकार के समन्वय से उत्तराखंड में सड़क, रेल और हवाई कनेक्टिविटी के लिए लगातार काम किया जा रहा है। दून दिल्ली के बीच फासला सिमटने, चार धाम ऑल ओवर
वेदर रोड, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना, यमुनोत्री केदारनाथ और हेमकुंड साहिब में रोपवे परियोजना, गलियारा में शामिल आदि कैलाश और ओम पर्वत की बात की जाए, वर्तमान में एक साथ कई योजनाओं पर काम किया जा रहा है। उत्तराखंड में पर्यटन और आर्थिक बढ़ सके, वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में हो रहे कामों को लेकर कहा कि देहरादून और राज्य के अन्य जगहों से कई राज्यों के लिए सीधे ट्रेन चल रही है। एक तो रेलवे कनेक्टिविटी पर हम लोगों ने बहुत प्राथमिकता से लिया है। नई ट्रेनें देहरादून से, नई ट्रेन वंदे भारत लखनऊ के लिए शुरू हो गई है, लखनऊ देहरादून, दिल्ली देहरादून, और लालकुआ से अमृतसर की ट्रेन और टनकपुर से देहरादून की ट्रेन, ये कई सारी ट्रेनें हमको मिली है। नए रेलवे स्टेशनों का पुनर्निर्माण, पुराने का नवनिर्माण और 100% इलेक्ट्रिफिकेशन यहाँ पर हो गया है, और जिसकी सहारनपुर की आप बात कर रहे हैं उस पर तेजी से काम चल रहा है। कुछ उत्तर प्रदेश का इलाका था, उसमें कुछ जमीनों के प्रकरण थे, उस पर हम लोगों ने बात कर ली है और हमारी प्राथमिकता है। और दूसरा प्रश्न आपने मुझे कहा कि कितनी जगह मैं जा चुका हूँ, अब मेरे पास कोई जगह बची नहीं है जहाँ मैं गया नहीं हूँ। भारत की प्रथम नगर पालिका कहे जाने वाली जोशीमठ देवनगरी पहुंचे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। धामी के जोशीमठ देवनगरी पहुंचने पर स्थानीय लोगों ने और भाजपा के तमाम वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने उनका फूलमालाओं के साथ जोरदार भव्य स्वागत किया। इस दौरान प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी के साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता अनिल बलूनी और पूर्व बद्रीनाथ विधायक राजेंद्र भंडारी और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र प्रसाद भट्ट आदि गणमान्य लोग उपस्थित रहे। सर्वप्रथम प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी के साथ स्थानीय लोगों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने TCP बाजार से लेकर जोशीमठ टैक्सी स्टेशन तक रोड शो किया। साथ हमारे जनता में भी बहुत उत्साह था, जो हमारे ग्रामीण से आए हुए हमारे वरिष्ठ लोग थे, हमारे ग्रामीण मात्र शक्ति थी, उनमें भी इतना जोश था कि धामी जी भी आज दंग रह गए इतनी भीड़ को देख करके। और उन्होंने ये आश्वासन दिया कि आप जो है बलूनी जी उनके साथ में थे हमारे प्रत्याशी, उन्होंने भी अपनी बात रखी और उन्होंने ये कहा कि आपका आशीर्वाद अगर मुझे मिलेगा तो मैं इस जोशीमठ रामनगर से लेकर और बद्रीनाथ तक चौमुखी विकास करूंगा और इस जोशीमठ को मैं ऐसे इस तरह से नहीं जाने दूंगा। जोशीमठ आप जनता को कहा कि आप निश्चिंत रहे, यहाँ की जनता निश्चिंत रहे, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, मैं कंधे से कंधे मिला के आपके साथ में खड़ा रहूंगा। गाँव गाँव से लोग उमड़ करके आए हैं, उत्तराखंड की 500 सीटों पे कमल खिलेगा और गढ़वाल की जो सीट है आदमी बोलने की लाखों मतों से विजयी होकर। चुनाव के अंतिम चरण में हरिद्वार लोकसभा के भाजपा प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने रामनगर कोर्ट में सभी चैंबरों में जाकर अधिवक्ताओं से वोट मांगी। वहीं अधिवक्ताओं ने भी उन्हें वोट देने का वायदा किया है। इस मौके पर उनके साथ वरिष्ठ भाजपा नेता मयंक गुप्ता और पंकज नंदा भी मौजूद रहे। इस मौके पर मयंक गुप्ता ने कहा कि भाजपा के प्रत्याशी बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहे और सभी वर्ग के लोगों का मत उन्हें मिलने जा रहा है। वहीं एडवोकेट हिमानी बोरा ने भी कहा कि इस बार वो भाजपा को ही वोट देंगी क्योंकि त्रिवेंद्र सिंह रावत एक अच्छे कैंडिडेट हैं। सबको मालूम है कि चुनाव चल रहा है और 19 तारीख को मतदान है लोकसभा का। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं और पूरे देश में जिस तरह से उत्साह है और हरिद्वार सीट भारी उत्साह से वोटर्स दिख रहे हैं भरे हुए, ऐसे में अधिवक्ताओं से वोट मांगने के लिए, उनकी अपील करने के लिए, क्योंकि अधिवक्ता एक ऐसे हमारे समाज के अंग हैं जो न सिर्फ लोकतंत्र के प्रहरी हैं बल्कि हजारों लाखों लोगों से वो हर दिन मिलते हैं, जुड़े रहते हैं, तो उनका भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक वोट की अपील करने के लिए आज प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हर चैम्बर पर जा रहे हैं, उनसे अपील कर रहे हैं और इसी के लिए हम सब लोग यहाँ हैं और सबका समर्थन हर चैम्बर पर मिल रहा है। उन्होंने हमसे वोट की अपील की है, पहले से जन समर्थन जो है ये भाजपा की लहर चल रही है,
रावत जी के साथ है, और पूर्व में मुख्यमंत्री काल जब था तब भी उन्होंने इतने लोक जन कल्याणकारी कार्य किए हैं कि उनके प्रति एक धारा बह ही रही है, उनके प्रति विश्वास की एक धारा बह रही है, और निश्चित तौर पे यहाँ रुड़की कचहरी से बहुत अधिक वोट उन्हें मिलेगा और निश्चित तौर पर जीत रहे हैं। रावत जी ने जो भी बीजेपी का कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसमें कांग्रेस पार्टी छोड़कर आने वालों की संख्या काफी ज्यादा है। अब वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और महिला कांग्रेस में जिला उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी का निर्वहन करने वाली और पूर्व सभासद गीता शर्मा ने अपनी बेटी मिस कुमाऊं वैष्णवी शर्मा के साथ भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। इस दौरान भाजपा मंडल अध्यक्ष धन सिंह बिष्ट ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। गीता शर्मा ने कहा कि वो मोदी सरकार की राष्ट्रवाद की भावना से प्रेरित होकर और उनके विकास कार्यों को देखते हुए भाजपा ज्वाइन कर रही हैं। आज देश की मोदी सरकार ने जो आज अपनी छाप छोड़ी है, वो विदेशों में हर जगह जो अच्छी है, मोदी जी हमारे काम कर रहे हैं उससे प्रेरित होकर आज लोग भारतीय जनता पार्टी की सत्ता ले रहे हैं, और ऐसे अनेक काम मोदी जी के द्वारा जो किए जा रहे हैं उसी के तहत ये लोग सभी लोग जो है हर जगह, यहाँ लाल को नहीं, हर पूरे देश में जो है सभी लोग भारतीय जनता पार्टी से सत्ता लें। पार्टी में सभी लोगों का स्वागत है, और जो भी हमारी पार्टी में आएगा हम उसका स्वागत है, और हम सभी लोग मिलजुल कर काम करेंगे, और भारतीय जनता पार्टी इस उत्तराखंड की पाँच की पाँच की लोकसभा सीट जिता के माननीय मोदी जी। मोदी जी की नीति और विकास का कार्य देख के, धामी जी का विकास का कार्य देख के, मैं भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रही हूँ। और जैसे कि मैं मोदी जी से बहुत प्रभावित हूँ, मोदी जी ने काफ़ी, मतलब हम इंडियन को कोई पहचानता नहीं था विदेशों में, आज विदेश में हम लोग मतलब A1 पे हैं, तो इसलिए इस सब चीज़ों को देखते हुए मतलब जो विकास हो रहे हैं मोदी जी के द्वारा, राम मंदिर बना, काफी विकास हो रहे हैं और भी विकास होंगे, तो इस तरह को देखते हुए मैं यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। खबरों की ओर रुख करेंगे। पुरोला विधानसभा के नौगांव बाजार में पुरोला विधायक दुर्गेश्वर लाल के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्ताओं ने जनसंपर्क किया और डोर टू डोर नमूना पत्र बांटकर टिहरी लोकसभा भाजपा प्रत्याशी माला राज्य लक्ष्मी शाह के पक्ष में मतदान करने की लोगों से अपील की, और मोदी की गारंटी पर विश्वास करते हुए भाजपा प्रत्याशी को विजय बनाने का आह्वान भी किया। उसके बाद पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं की बैठक ली गई। हर बूथ मजबूत हो इसके लिए कार्यकर्ताओं को कमर कस के कार्य करने को कहा गया है। इस मौके पर तमाम भाजपा के पदाधिकारी मौजूद रहे। टिहरी लोकसभा से जो हमारी जो प्रत्याशी माला लक्ष्मी शाह जी इस बार प्रचंड बहुमत के साथ जीत रही है, और पुरोला विधानसभा से मैं अभी जिस तरीके से रुझान देख रहा हूँ, मैं क्योंकि आज 15-20 दिन हो गए कंटिन्यू मैं जो फील्ड में जा रहा हूँ, बूथ पे जा रहा हूँ, एक एक जगह जा रहा हूँ, और डोर टू डोर वो चाहे बागवान हो, किसान हो, आपकी महिलाएँ हो, व्यापारी हो या मजदूर वर्ग हो, हर व्यक्ति के साथ हमारी जो जनसंपर्क हो रहा है, और सबका एक ही कहना है कि देश के लिए अगर जरूरी है तो नरेंद्र मोदी को तीसरी बार बनाना, प्रधानमंत्री बनाना बहुत जरूरी है। मतदान को लेकर इस बार चुनाव आयोग अलग अलग अभियान चला रहा है। चुनावी आयोग हर वर्ग के मतदाताओं को साधने का प्रयास कर रहा है, खासकर युवा मतदाताओं पर इस बार फोकस किया जा रहा है। इस पर संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी नमामि बंसल ने बताया कि इस बार लगभग 1,45,000 युवा मतदाता हैं, जिनकी समरी रिवीजन के समय से ही सूची तैयार की जा रही थी। जो हमारे युवा मतदाता हैं वो लगभग 1,45,000 हैं इस बार,
और इन सभी को समरी रिवीजन के टाइम से ही हम लोग नेशनल वोटर्स डे के टाइम से ही मोटिवेट कर रहे हैं। इनको एज ब्रांड एम्बेसडर्स बनाकर भी हमने इनके संबंधित कैंपसेस में यूज़ किया है कि आप मोटिवेट करें, प्रेरित करें अपने साथी जितने भी हैं नेबरहुड में या फिर अपने पारिवारिक सदस्यों को, सबको मोटिवेट करें। जो हमारे युवा मतदाता हैं वो पिछली बार की तुलना में इस बार बढ़े हैं और इस बार समरी रिवीजन में यही प्रयास किया गया है कि अधिक से अधिक हम युवा मतदाताओं को जोड़ सकें। युवा मतदाताओं द्वारा ऐप्स और आईटी जो सॉफ्टवेयर्स हैं उनका भी बहुत उपयोग किया जाता है, उसके संबंध में भी विशेष अभियान चलाते हुए उन्हें वोटर हेल्प। इधर अल्मोड़ा पुलिस और जिला प्रशासन के द्वारा जनपद की मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए बाइक रैली का आयोजन किया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी बताते चले, इस दौरान सर्वप्रथम उपस्थित रहे समस्त अधिकारियों को मतदाता जागरूकता शपथ दिलाई गई। इसके बाद सीओ अल्मोड़ा के द्वारा रघुनाथ सिटी मॉल से मतदाता जागरूकता बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। रैली मॉल रोड चैघान पाटा से शुरू होकर लक्ष्मीश्वर पांडे खोला बाईपास होते हुए वापस रघुनाथ सिटी मॉल पर संपन्न हुए। रैली के दौरान लाउड हेलर के माध्यम से मतदाताओं को भयमुक्त होकर निष्पक्ष मतदान के लिए प्रेरित किया गया है। काशीपुर में प्रत्येक साल की तरह इस बार भी चैत्र मास में लगने वाले उत्तर भारत के प्रसिद्ध मेले में शुमार चैती मेले में तड़के मां बाल सुंदरी देवी का डोला गाजे बाजे के साथ और धूम धड़ाके ढोल नगाड़ों की थाप पर झूमते श्रद्धालुओं के साथ पुलिस की कड़ी सुरक्षा में निकाला गया। शहर के विभिन्न मार्गों से होता हुआ ये 5 किलोमीटर दूरी तय कर चैती मंदिर पहुंचा। इस दौरान पुलिस प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए थे। आज चैती मेला मैदान माँ भगवती बाल सुंदरी मंदिर में विद्यमान हुआ और विद्यमान होने के बाद यहाँ पूजा अर्चना हुई और उसके उपरांत जो है भक्तों को दर्शनों के लिए माता जी के कपाट खोल दिए गए और जो भी श्रद्धालु हैं माता जी के दर्शन करके अपनी मनोकामना भगवती के सामने मांगकर अपना कल्याण कर रहे हैं। हल्द्वानी में निर्वाचन विभाग ने मतदान संबंधित सभी तैयारियों को पूरा कर लिया है। निर्वाचन कार्यालय में बने मीडिया सेंटर में जानकारी देते हुए नोडल अधिकारी मीडिया विशाल मिश्रा ने बताया कि शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराए जाने के लिए जनपद में लगाई गई सभी एजेंसियों द्वारा 14 अप्रैल तक 2,12,00,000 रुपए की नकदी शराब और ड्रग्स बरामद किए गए हैं। इसके अलावा आचार संहिता उल्लंघन के 646 शिकायतों में से 631 शिकायतों पर कार्रवाई की गई है। साथ ही 85 साल से ज्यादा और बुजुर्ग मतदाताओं के 1,556 मतदाताओं में से 1,459 मतदाताओं द्वारा पोस्टल बैलेट से 93% मतदान किया गया है। एज पर जो हमारा सीजर पोर्टल है उसके अनुसार कैश 47 लाख रुपीस का, लिकर 49 लाख रुपीस का, ड्रग्स 78 लाख रुपीस का और प्रीशियस मेटल 37.6 लाख का और जो फ्रीबीज या अदर आइटम है वो 0.2 लाख रुपीस का अभी तक सीजर किया गया है और आने वाले दिनों में सीजर की कार्रवाई और तेज की जाएगी और जो टीमें हैं उनको निर्देश किया गया है कि और विजिल होकर के और गंभीरतापूर्वक कार्रवाई। बाकी तैयारियां क्या क्या? बाकी तैयारियां हमारी सारी जो ईवीएम कमीशनिंग है वो हो चुकी है। जो घर घर जाकर के पोस्टल बैलेट मतदान होने थे वो 93.7% हो गए 1556 में से 1459। और उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में अभी के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहे जन टीवी। नमस्कार।